प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सैनिक देश की वो ढाल होते हैं जो देश को हर खतरे से बचाते हैं। सैनिक देश का वो गौरव है जो हमेशा देश का अभिमान बनकर देश की रक्षा और मान बढ़ाते हैं। वही आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। आइए जानते हैं कि सेना दिवस पर किस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ये दिन देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है। ये उन जाबाज सैनिकों के प्रति एकजुटता दिखाने का दिन है जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी थी। क्यों है खास ये दिन? तीनों सेनाएं दिखाती हैं कर्तव्य। आम जनता के लिए रखा जाता है खास शो। कई कार्यक्रमों के शो और कार्निवल की होती है व्यवस्था। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस का इतिहास। 7 दिसंबर के दिन भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने के पीछे कारण ये है कि दरअसल भारत को आजादी मिलने के बाद 28 अगस्त 1949 को भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना के जवानों के कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति के 3 उद्देश्य: युद्ध के समय हुई जनहानि में सहयोग, कार्यरत कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण और सहयोग, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण का रखा जाता है ख्याल। सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के नाम अपना जीवन करने वाले दिव्यांग पूर्व सैनिकों, युद्ध में वीर गति प्राप्त किए हुए सैनिकों की विधवाओं, शहीदों के परिवार जनों की देखभाल करने के लिए मदद सुनिश्चित करता है और उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सम्मान का प्रतीक है। इस देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों ने अपना परिवार, अपनी खुशियां और अपनी जवानी की आहुति दी है। प्राइम टीवी हमारे देश के सारे जवानों को दिल से सलाम करता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ